Hello, everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss Lecture 5, Part 11d. And in this part, we are going to discuss the signalized intersection delay. So, before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. Let's begin our lecture. तो अब तक हमने सिग्नलाइज इंटरसेक्शन में वेबस्टर मेथड देखा फिर रिलेटेड न्यूमरिकल्स देखे फिर हमने सारा की सारा देखा कि किस तरीके के और अदर चीज़ें हैं अब हम बात करेंगे सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन डिले की यानी कि एक सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन पे किस तरह का डिले हो सकता है और अगर आप लॉजिकली देखें एक भी इंटरसेक्शन यानी कि जहाँ जहाँ चौराया है किराया है जहाँ पर भी सिग्नल लगे हुए हैं इन सब पे कहीं ना कहीं हमें डिले होता है कभी रुकने पे डिले होता है फिर उसके बाद धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं तो इन सब को एक टेक्निकल टर्म में क्या क्या बोला गया है वो समझते हैं तो सिग्नलाइज इंटरसेक्शन डिले एट सिग्नलाइज इंटरसेक्शन डिले अकर्स अब ये डिले को कैसे कैसे क्लैसीफाई किया गया वो देखो सबसे पहला है सबसे सिंपल लेते हैं स्टॉप टाइम डिले स्टॉपड टाइम डिले इज डिफाइंड एज द टाइम अ व्हीकल इज स्टॉप्ड इन अ क्यू वाइल वेटिंग टू पास थ्रू द इंटरसेक्शन आप ने यहाँ के रेड लाइट हुई यहाँ पे व्हीकल रुक गए हैं जब वो रोक दिए गए हैं व्हीकल तो वहाँ उस पॉइंट जहाँ पे व्हीकल रुक गया है, उस पॉइंट से लेकर वापस व्हीकल जब बिगिन करेगा एक्सेलरेशन को उस टाइम डिले को हम कहेंगे स्टॉप्ड टाइम डिले यानी कि व्हीकल क्या था स्टॉप्ड कंडीशन में था सिंपल व्हीकल स्टॉप्ड कंडीशन में था तो इसलिए स्टॉप्ड टाइम डिले इट बिकम्स व्हेन व्हेन व्हीकल इज फुल्ली स्टॉप्ड एंड एंड्स व्हेन व्हीकल बिगन्स टू एक्सेलरेट जैसे मैंने कहा एक किसी भी इंटरसेक्शन पे आप गए वहां पे अपनी व्हीकल रोकी रेड लाइट पर ही आपने रोक दी है उससे लेकर दोबारा एक्सेलरेट करोगे स्टॉप कंडीशन रही व्हीकल की तो स्टॉप टाइम डिले अब आते हैं बात करते हैं अप्रोच डिले जैसे नाम से पता चल रहा है अप्रोच में कैसे डिले हुआ होगा तो अप्रोच डिले इंक्लूड्स द स्टॉप्ड टाइम डिले यानी कि ये वाला टाइम तो है ही कि व्हीकल रेड लाइट पर खड़ा रहा बट एड्स टाइम लॉस ड्यू टू डिसलेशन फ्रॉम द अप्रोच स्पीड टू अ स्टॉप अब आप यहाँ पे किसी भी इंटरसेक्शन पर रेड लाइट पाते हो तो रेड लाइट पाने में क्या होगा आप लोग यहाँ पे अपनी स्पीड को धीरे करोगे और इंटरसेक्शन पे आके स्टॉप कर जाओगे और वापस से यहाँ खड़े रहोगे रेड लाइट ग्रीन होगी फिर एक्सेलरेट करके आगे जाओगे तो जो हमने स्पीड के अंदर रिडक्शन स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ डिसलेशन वो भी ऐड हो जाएगा स्टॉप टाइम डिले में तो क्या बन गया ये अप्रोच डिले ओके तीसरे की बात करते हैं ट्रैवल टाइम डिले इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइवर्स एक्सपेक्टेड ट्रैवल टाइम थ्रू द इंटरसेक्शन एंड एक्चुअल टाइम टेकन यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरसेक्शन में एक ड्राइवर एक्सपेक्ट करता है कि मैं तीन मिनट में निकल जाऊँगा बट उसको वहाँ पर चार मिनट लग गए तो कितना टाइम का डिले हुआ एक मिनट का एक्स्ट्रा डिले हुआ तो वो परसेप्शन में चला गया उसी को किसके कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हम किस नाम से कह रहे हैं ट्रेवल टाइम डिले से अब चौथे टाइप ऑफ डिले की डेफिनेशन देखो टाइम इन क्यू डिले इससे पता लग रहा है कि क्यू के अंदर आप जो टाइम कटा होगा उसी से रिलेटेड कुछ होगा तो डेफिनेशन वाइज दिखाते हैं टाइम इन क्यू डिले इज द टोटल तो टाइम फ्रॉम अ व्हीकल ज्वाइनिंग एन इंटरसेक्शन क्यू टू तुँ इट्स डिस्चार्ज अक्रॉस द स्टॉप लाइन ऑन डिपार्चर टाइम इन क्यू डिले कैन नॉट बी इफेक्टिवली शोन यूजिंग वन व्हीकल इट इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग एंड डिपार्चिंग डिपार्टिंग ऑफ क्यू ऑफ सेवरल व्हीकल सिंपल है अभी तक हम सिंगल व्हीकल की बात कर रहे थे इन तीनों में हमें समझ में आ रहा था एक व्हीकल पे लगाया जा सकता है अब क्यू की जहाँ पे बात हो गई एक इंटरसेक्शन में बहुत सारे व्हीकल्स खड़े होंगे जब ये व्हीकल रुक गए हैं और वापस एक्सेलरेट करके क्यू पूरी की पूरी क्यू वापस निकलेगी तो वो क्यू वाले टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो हम उसे किसके नाम से यहाँ पे या किस टाइप के डिले से कहेंगे टाइम इन क्यू डिले के नाम से उसको यहाँ पे जाना जाएगा अब एक और पांचवा यहां जो मैंने लिखा है फिफ्थ वो है कंट्रोल डिले कंट्रोल डिले इज़ द डिले कॉज्ड बाय कंट्रोल डिवाइस इधर अ ट्रैफिक सिग्नल और स्टॉप साइन इट इज़ इक्वल टू टाइम इन क्यू डिले प्लस एक्सेलरेशन डिसलरेशन डिले कंपोनेंट सीधी सी बात है बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी है मैंने कि आप इंटरसेक्शन सेक्शन पर जाओगे सपोज करो इंटरसेक्शन सेक्शन पर कुछ स्टॉप का साइन ना होता और यहाँ सिग्नल ना होता तो आप चुपचाप सीधे सीधे निकल जाते बट यहाँ पे क्योंकि कोई भी स्टॉप साइन है या ट्रैफिक सिग्नल है उसकी वजह से आपको रुकना पड़ा तो आपने क्या करा डिसेलरेट करा अपने व्हीकल को डिसेलरेट करके आपने अपने व्हीकल को स्टॉप किया अब स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पे खड़े रहे फिर रीएक्सेलरेट करके डिजायर्ड स्पीड पा के यहाँ से पास कर गए इंटरसेक्शन को तो सारा के सारा टाइम ओवरऑल जो आप कह सकते हो सारा टाइम किस में लगा होगा एक सिग्नल पे आए रुके वहाँ रहे और निकल गए ये सारा एक तरीके से टाइम इन क्यू वाले डिले के बराबर ही होगा तो इट इज़ यही लिखा है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टाइम इन एक्स टाइम इन क्यू डिले प्लस क्योंकि टाइम इन क्यू डिले में क्यू थी उसको पूरा निकलना है और उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे एक्सेलरेशन क्योंकि एक्सेलरेट करके निकलना है और डिसेलरेशन जो अप्रोच स्पीड से आके क्यू में लगने की डिले जो हुई है टाइम के अंदर उसको भी तो बेसिकली ये फाइव टाइप्स ऑफ डिले हैं जो आपको एटलीस्ट मुझे लगा बाई डेफिनेशन पता होने चाहिए एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप एज़ मच एज पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज कि आप एक लाइन में समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रहा है अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की जिसपे ऑल दो न्यूमेरिकल बहुत रेयर हैं बिकॉज ये बहुत ही एडवांस uh, पार्ट का यू नो थ्योरी है ये नहीं पढ़ाई जाती बट आई हैव सीन ये किसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे पार्ट को ही डिस्कस कर लिया जाए इसलिए सिग्नलाइज इंटरसेक्शन डिले का मैं ये प्रॉपर लेक्चर बना रहा हूं अब यहां पे देखो यहां पे इस ग्राफ की ओर देखो यहां पे क्यूमोलेटिव व्हीकल यहां है टाइम अब ये देखो क्यूमोलेटिव व्हीकल और ये रहा टाइम अगर आपको किसी भी इंटरसेक्शन पे बोला जाए कि यहां से व्हीकल निकालने हैं और व्हीकल को सिर्फ एक व्हीकल को मत देखो पूरी क्यू को देखो तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे सपोज करो ग्रीन है ये ग्रीन है और एम्बर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो ग्रीन एम्बर में आप सारे व्हीकल जोड़ रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे अब रेड हो गई सपोज करो यहां पर रेड ना होती सिंपल सपोज करो पूरे के पूरे में ग्रीन होती तो व्हीकल्स निकलते रहते निकल रहे निकल रहे निकल रहे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है हमारे लेके सारा के सारे व्हीकल्स निकले जा रहे निकले जा रहे निकले जा रहे अगर रेड ना होता ये पूरा पोर्शन क्या होता ग्रीन ओके सो ये हो गई एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नाउ जैसे एम्बर हुआ एम्बर के बाद आ गया यार रेड और जैसे ही रेड हुआ है रियलिटी क्या है व्हीकल निकल रहे थे जैसे ही रेड हुआ व्हीकल स्टॉप हो गए अब व्हीकल तो खड़े हुए हैं तो क्यूमुलेटिव व्हीकल्स पासिंग थ्रू दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट वो तो इंक्रीज नहीं होने वाला है हो गया तो टाइम जो है चला गया उसके बाद जैसे रेड कटा इसके बाद कटने के बाद ग्रीन स्टार्ट हुआ तो व्हीकल्स ने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया धीरे धीरे स्पीड पकड़ी और वापस से वो अपने आ, कहेंगे कि निकल गए इंटरसेक्शन से और हमने वापस से अचीव कर ली जो क्यू थी व्हीकल जो निकलने चाहिए थे उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन से उसको तो यानी कि ये बेसिकली एक कर्व है जो ये बता रहा है कि अगर ग्रीन ना होता तो ये देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता सॉरी ग्रीन होता मैं उल्टा बोल गया हूँ मुझे क्षमा कीजिएगा ग्रीन होता तो ये ग्राफ पूरा ऐसा होता ग्रीन ना होने के कारण यहाँ पे क्यूमलेटिव व्हीकल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ वापस से ग्रीन हुआ तो वापस से वो इंक्रीज कर गया एंड इस एरिया अंडर द कर्व ये कुछ ना कुछ होगा मैथमेटिकली वो देख लेते हैं और स्लोप इस कर्व की कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगी वो देख लेंगे ठीक है तो एवरेज डिले जो है व्हीकल सेकंड के अंदर वो क्या हो गया एरिया अंडर द कर्व ये तो मुझे डिले मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूमलेटिव व्हीकल्स हैं और यहाँ पे टाइम है तो नंबर ऑफ व्हीकल्स से कि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ये बनाया है टू हंड्रेड व्हीकल्स के लिए और से फिफ्टी सेकेंड का जो है डिले हुआ तो फिफ्टी सेकेंड के अंदर टू हंड्रेड व्हीकल्स का किस तरीके से डिले हुआ होगा वो एरिया अंडर द कर्व आ गया तो हम उससे पता कर सकते हैं एवरेज डिले फॉर पर व्हीकल कितना रहा होगा तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुई पहली कि सिग्नलाइज इंटरसेक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे असेस कर रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं अब बात करते हैं कैपिटल डी कैपिटल डी इज़ डिले पर व्हीकल ये फॉर्मूले में आ जाएगा कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किस में आ जाएगा सेकंड्स पर व्हीकल यानी कि एक व्हीकल में कितने सेकंड्स का डिले हो रहा होगा जैसे मैंने आपको कहा 200 हंड्रेड व्हीकल्स का यहाँ पर डिले हो गया सपोज करो और वो फिफ्टी सेकेंड्स में हुआ <coughs> <coughs> तो 50 सेकेंड्स में 200 व्हीकल्स का डिले हुआ है तो इट वुड बी सेक वन बाय फोर तो वन बाय फोर जो हुआ है सेकेंड्स का ये ईच व्हीकल में हुआ होगा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया दैट इज वाइट इज सेकेंड्स पर व्हीकल सी नॉट क्या है साइकिल टाइम जो हमने ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकाली है वेबस्टर मेथड से के अंदर बिल्कुल वही है जी क्या है इफेक्टिव ग्रीन टाइम इफेक्टिव ग्रीन टाइम को जी से डिनोट करें सी नॉट अगेन ऑप्टिमम साइकिल एस है अब क्यू क्या है क्रिटिकल फ्लो और एग्जिस्टिंग फ्लो एट सिग्नल किसमें व्हीकल्स पर आवर में नॉट व्हीकल्स पर मिनट व्हीकल्स पर सेकेंड बट किसमें व्हीकल्स पर आवर में एंड एस इज द सैचुरेशन फ्लो सैचुरेशन फ्लो क्या होता है व्हीकल्स पर आवर अब जिनको याद नहीं है या जिन्होंने मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि सैचुरेशन फ्लो वो होता है अगर सपोज करो यहाँ पे बिल्कुल भी रेड ना होता सारे टाइम पर एक घंटे के लिए सपोज करो ग्रीन सिग्नल होता तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पास करेंगे उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन को मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ उन्हें हम क्या कहेंगे सेचुरेशन फ्लो यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है बट एट इंटरसेक्शन किस कंडीशन के लिए कि अगर ये पूरा सिग्नल बस एक घंटे के लिए ग्रीन कर दिया जाए तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स मैक्सिमम कैपेसिटी के थ्रू निकलेंगे तो वो क्या बन गया सेचुरेशन फ्लो सो हमें जो न्यूमेरिकल देखने को मिला छोटा सा वो ये था कैपेसिटी रिलेशन और इसका अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े के पीछे छोटे से नि एक इक्वेशन के पीछे मैं इतना सारा ये बता रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि मुझे लगा है कि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये क्वेश्चन का पार्ट भी पूछ लिया जाएगा तो एटलीस्ट हमें फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए अब देखो कैपिटल सी कैपिटल सी इज़ द कैपेसिटी नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर इज इक्वल्स टू एस एस इज दैचुरेशन फ्लो व्हीकल्स पर आर जी इज द ग्रीन टाइम आई वुड से इफेक्टिव ग्रीन टाइम एंड सी नॉट इज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ तो एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन की ऑप्टिमम साइकिल रहेगी इफेक्टिव ग्रीन टाइम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ रोड के लिए गिवन रहेगा एस सेचुरेशन फ्लो होगा तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कैपेसिटी कितनी होगी आप निकाल सकते हो यहाँ से अब आपसे मैक्स टू मैक्स डिले पर व्हीकल पूछेगा उसके अंदर आपको वही सारी की सारी चीजें मेंशन करके देगा आपको सिर्फ फॉर्मूले पुट करने और डिले निकालना है पर व्हीकल तो गाइस ये था इंटरसेक्शन डिले के अंदर सॉरी सिग्नलाइज इंटरसेक्शन डिले के अंदर ये जरूरी था कि मैं इस पर एक अलग लेक्चर बनाऊं और आपको बताऊं कि ये वो पार्ट है जो यूज़ किया जा सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जाते जाते मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी पता लगी जो एक बार क्वेश्चन था वो ये होगा कैपेसिटी बाय सेचूरेशन फ्लो का रेशियो कैपेसिटी बाय सेचुरेशन फ्लो का रेशियो ही जी बाय सी नॉट है तो आपके यहाँ पे जो ये जी बाय सी नॉट हमने दिया हुआ इफेक्टिव ग्रीन टाइम बाय ऑप्टिमम इसको ना दे के ये कैपेसिटी वर्सेस सेच्यूरेशन फ्लो भी दे सकते हैं बोल सकते हैं एक सिग्नलाइज इंटरसेक्शन पे सेच्येशन फ्लो ये रहा और उसकी कैपेसिटी ये रही तो उसकी जगह आप डायरेक्टली यहाँ C सी एस को पुट कर देना और सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को तो गाइज ये वो सारा टाइप ऑफ कंसेप्ट था और एक फार्मूला था जो मुझे स्पेशली डिस्कस करना था इट सिग्नलाइज इंटरसेक्शन एंड आई इट एंड आई थिंक आई हैव डन इट इन प्रटी मच डिटेल ताकि आपको कोई बुक ना उठानी पड़े कोई कोई नोट्स ना उठाने पड़े वैसे सही पूछो तो ये मास्टर्स में पढ़ाया जाता है इसका पूरा कैसे निकल के आता है डेरीवेशन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो साइनिंग ऑफ गॉड ब्लेस यू ऑल